गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हियर विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 3, दैट इज द नदर्न माउंटेन्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो जो फिजिकल फीचर्स है, अब उन फिजिकल फीचर्स को के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट क्या है, द नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स मतलब नॉर्थ साइड, टॉप के साइड, जम्मू एंड कश्मीर के साइड। हियर यू विल लर्न द हिमालयस एंड द लाइफ इन द नदर्न माउंटेन्स। In page number 23 of your book, there is a cartoon. A new girl has joined class 4 and Chini is excited to meet her. Chini, ye rahi Chini, ye hai Tara, uski cousin, aur ye ek new girl hai who has joined the school. The new girl has joined the school in class 4. Class 4 mein join ki thi aur Chini usse milne ke liye excited hai. The girl's name is Bushra and she is from Srinagar. इन जम्मू एंड कश्मीर। इस लड़की का क्या नाम है, बुशरा, और ये कहां से है, जम्मू एंड कश्मीर से। चीनी बोलती है इट मस्ट बी सो एक्साइटिंग टू लिव इन द माउंटेन्स बुशरा। चीनी इससे पूछती है बुशरा से कि माउंटेन्स में रहने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, वो माउंटेन में रहने वाला लाइफ वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तो बुशरा क्या बोलती है, यस माई फ्रेंड, my friends and I used to have a lot of fun walking up in the hilly roads to the school. हाँ, मैं और मेरी friend दोनों school जाते वक्त जो hilly roads थे उस पर बहुत मस्ती करते थे, जाते वक्त बहुत मस्ती करते थे। The weather is cool and there is so much greenery. वहाँ का weather एकदम ठंडा ठंडा है और बहुत ज्यादा हरियाली है वहाँ पे। greenery, greenery मतलब हरियाली। I have visited Manali. It is a hill station in Himachal Pradesh. I went there on a vacation with my family. तो चीनी बोलती है कि वो मनाली में घूम चुकी है। वो क्या है, मनाली एक हिल स्टेशन है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। मनाली एक हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, और वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में गई थी। We had a lot of fun and played with snow. वहां उसे बहुत मजा आया था और वो उन लोगों ने बर्फ से भी खेला था वहां पे। Our first topic is the Himalayas. In the previous chapter, you learned that the northern mountains are an important physical features of India. Last chapter में आपने पढ़ा था कि जो northern mountains है वो India के important physical features में से एक है। The Himalayas and the Karakoram range from the northern mountains. Himalayan range और Karakoram range कहाँ पे है, northern mountain में। Northern mountain में क्या है, Himalayas और Karakoram range. The Himalayas lies to the north of India. माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। जो हिमालय है वो कहाँ पे है, इंडिया के नॉर्थ साइड में, मतलब टॉप साइड में, जम्मू एंड कश्मीर साइड में। जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 है वो कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में। टू हाईएस्ट रेंज क्या है वर्ल्ड का, टू हाईएस्ट रेंज क्या है, हिमालय और काराकोरम रेंज। और हिमालय कहाँ पे है, इंडिया के नॉर्थ में। माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 ये दोनों कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में क्या है, गॉडविन ऑस्टिन और K2। इट इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। जो ये है माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2, उसको क्या बोलते हैं, वो सेकेंड हाइएस्ट रेंज माउंटेन पीक है, मतलब वर्ल्ड का जो सेकेंड सबसे ऊंचा पहाड़ी है वो कौन सा है, ये गॉडविन ऑस्टिन और K2। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालयस इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, हिमालय में। हिमालय रेंज क्या, हिमालय रेंज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। हिमालयन रेंज में क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है, हिमालय, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। द हिमालयस कवर द नदर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो कहाँ, कितना है वो हिमालय, नॉर्थ से, मतलब जो ऊपर वाले साइड से, ये जो ऊपर वाले साइड है उससे लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब ये नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक भी है। दिस रेंज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और ये जो हिमालय है वो कहाँ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इसमें देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ से हिमालय स्टार्ट होगा और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा हिमालय।
ठीक है। द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस। जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब बहुत सारा माउंटेन्स का ग्रुप होता है, बहुत सारा माउंटेन्स का ग्रुप। अब उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वो तीन पैरेलल रेंज है, मतलब ये पहला हुआ, जैसे एक एक ग्रुप हुआ हिमालय का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहला वाला क्या है, द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, ये फर्स्ट है। और सेकेंड रेंज कौन सा है, द मिडिल हिमालयस और हिमाचल, द मिडिल हिमालयस और हिमाचल। थर्ड क्या है, द आउटर हिमालयस और सिवालिक्स, द आउटर हिमालयस और सिवालिक्स। टेंजिंग नॉर्गे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हुए आपके बुक में, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम ऑन द माउंट एवरेस्ट इन 1953। दो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान का क्या नाम था, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, ये दोनों फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, कब, 1953 में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेटर हिमालय, टॉपिक नहीं सब टॉपिक, वो जो थ्री रेंजेस थे, थ्री पैरेलल रेंजेस थे हिमालय के, उसमें फर्स्ट क्या था, द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयस को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। द नदर्न रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस। जो नदर्न मोस्ट मतलब ऊपर का जो मेन जो है उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस, एंड इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री। दिस रेंज रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल भर वहां पे बर्फ से ढका रहता है। माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा आर द टू हाईएस्ट पीक इन द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री में दो हाईएस्ट रेंज कौन कौन से है, माउंट कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा। माउंट कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट कंचनजंगा जो है वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है, पहला कौन सा था, माउंट एवरेस्ट, पहला कौन सा था, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड कौन सा था, काराकोरम रेंज, सेकेंड कौन सा था, काराकोरम रेंज। और थर्ड क्या है, माउंट कंचनजंगा, थर्ड क्या है, थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा। दिस रेंज हैज थिक मासेस ऑफ मूविंग आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। ये जो रेंज है, इस माउंटेन रेंज पे बहुत सारा बड़ा बड़ा आइस शीट चलता रहता है, इसी पे बहता रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। दिस ग्लेशियर्स मेल्ट एंड गिव राइज टू मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स। यही जो ग्लेशियर होता है वही पिघल पिघल के बहुत सारा रिवर बनता है, ग्लेशियर से ही रिवर बनता है, ग्लेशियर जमा हुआ बर्फ और जब वो पिघलने लगा तो वो पिघल पिघल के रिवर्स बनाता है। द गंगा, द यमुना, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर सम इम्पोर्टेंट रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम दिस रेंज। जैसे कुछ रिवर्स जो ग्लेशियर से निकले हैं उनका क्या क्या नाम है, द गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। गंगा किससे निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा किससे निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर। सेकेंड सब पॉइंट क्या है, द मिडिल हिमालयस, सेकेंड वाला हिमालय का सेकेंड वाला वो क्या था, सेकेंड वाला रेंज द मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, हिमाचल, मिडिल हिमालयस को हम क्या बोलते हैं, हिमाचल। बिलो द हिमाद्री रेंज लाई द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल। हिमाद्री रेंज के नीचे मिडिल हिमालयस आता है, हिमाद्री कौन सा है, द ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री कौन सा है, द ग्रेटर हिमालयस। उसके नीचे क्या आता है, द मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालयस को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमाचल। दिस माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स इन द हिमाद्री। हिमाद्री में तो बहुत ऊंचा रेंज, ऊंचा ऊंचा पर्वत है, बहुत ऊंचा ऊंचा माउंटेन्स है, पर द मिडिल हिमालयस मतलब उससे थोड़ा सा कम उसका हाइट होगा, उससे कम हाइट है मिडिल हिमालयस का। द हिमाचल इज कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट विच हैव ट्रीज सच एज ओक, पाइन, फिर एंड देवदार। हिमाचल में कौन कौन सा, बहुत सारा जंगल है ऊपर वाले में, हिमाद्री में, द ग्रेटर हिमालयस में तो बहुत सारा बर्फ ही बर्फ है, वहां पे तो सिर्फ बर्फ ही है, बहुत ज्यादा ठंड रहता है वहां पे, बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत है। पर जब मिडिल हिमालयस में आते हैं तो वहां पे ग्रीनरी भी है, वहां पे पेड़ भी है, पेड़ पौधा बहुत सारा, फॉरेस्ट भी है। और उस फॉरेस्ट में किस कौन कौन सा पेड़ होता है, ओक, पाइन, फिर एंड देवदार,
ये देखिए हिमाचल रेंज, ऊपर रहा कंचनजंगा का इमेज, काराकोरम रेंज का फोटो, और ये रहा माउंट एवरेस्ट दी हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये क्या है हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज इससे इस लेंथ में कम होगा, इसका हाइट कम होगा। कांगड़ा वैली का ये है गैंगटॉक, गैंगटॉक का ये है। इन विंटर सीजन द हिमाचल रेंज रिसीव द स्नोफॉल, ठंड में हिमाचल रेंज में भी स्नोफॉल होता है। यहाँ पे तो सालों भर होता है, पर हिमाचल में जब मिडिल हिमालयस में जाएंगे तो ठंड में ज्यादा स्नोफॉल होता है। मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन दिस रेंज, हिल स्टेशन कहाँ पे है हिमाचल में, मतलब मिडिल हिमालयस। कौन कौन से हिल स्टेशन है, मनाली, कुल्लू, मुक्तेश्वर, गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग। इट ऑल्सो हैज मेनी फर्टाइल वैलीज सच एज कांगड़ा, ये देखिए कांगड़ा, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जहाँ इजिली क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, यहाँ पे इजिली क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स, द थर्ड सब पॉइंट इज द आउटर हिमालयस और शिवालिक्स। यहाँ क्या पढ़ना था हमें, द लोवेस्ट रेंज इन द हिमालयस इज कॉल्ड द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स, लोवेस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द आउटर हिमालयस और शिवालिक्स। हाईएस्ट कौन सा था, ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, हाईएस्ट माउंटेन मतलब यहाँ का ये सबसे ऊंचा पहाड़ था। ठीक है, मिडिल हिमालयस और हिमाचल, हिमाद्री से थोड़ा सा लेंथ कम है इसका, मिडिल हिमालयस का, और ये जो आउटर हिमालयस है वो लोवेस्ट रेंज है, मतलब सबसे छोटा यही वाला माउंटेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स, द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स। द माउंटेन इन दिस रेंज आर मोर लाइक हिल्स, मतलब ये जो माउंटेन्स है यहाँ पे वो हिल्स की तरह है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, वो हिल्स की तरह है जिन पर आराम से चढ़ा जा सकता है। मेनी सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर लोकेटेड इन दिस रेंज, जब ये नीचे का ये ज्यादा ऊंचा नहीं है तो यहाँ पे लोग रहते भी हैं, यहाँ पे बहुत सारा टाउन्स है, विलेजेस हैं, बहुत लोग रहते भी हैं, ये किसी का बहुत लोगों का घर भी है। दिस रेंज इज नॉट कवर्ड विद स्नो, ये जो एरिया है मतलब आउटर शिवालिक्स, यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होता, सबसे ज्यादा ठंड होता है जो सबसे ऊंचा है, मतलब द ग्रेटर हिमालयस पे, उससे थोड़ा कम ठंड पड़ता है मिडिल हिमालयस में, मिडिल हिमालयस में बस ठंड में ज्यादा बर्फ गिरता है, पर जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स में यहाँ पे स्नो नहीं होता है ज्यादा, ज्यादा बर्फ नहीं गिरता है। द शिवालिक्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत सारे फॉरेस्ट है। पीपल कल्टिवेट द स्लोप्स ऑफ हिल, ग्रो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, स्लोप्स ऑफ हिल मतलब जो होता है ढलान होता है हिल्स का, उस पे भी लोग कल्टिवेशन करते हैं, जो माउंटेन्स का ढलान होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप पे भी लोग वहां पे कल्टिवेशन करते हैं, बहुत तरह का क्रॉप्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल्टिवेट का मतलब दिया हुआ है हमारे बुक के लास्ट पेज में, कल्टिवेट टू प्रिपेयर एंड यूज द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, किसी भी लैंड को क्रॉप उगाने के लिए यूज करना, टू यूज द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। द शिवालिक्स एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, द शिवालिक एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, शिवालिक्स कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, शिवालिक्स यहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक है। दे आर कॉल्ड द पूर्वांचल रेंजेस, शिवालिक्स को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंजेस, शिवालिक्स को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंजेस। दीज रेंजेस हैव हिल्स सच एज गारो, खासी, नागा एंड मिजो, इस रेंजेस में कुछ हिल्स हैं जैसे गारो, खासी, नागा एंड मिजो। These hills are covered with thick forest and have beautiful waterfalls. ये जो hills हैं, मतलब गारो, खासी, नागा, मिजो, वो उसमें बहुत सारे thick forest है, बहुत सारे forest है, घने जंगल हैं, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर waterfalls भी हैं। पहला एक यहाँ पे है, second खासी यहाँ पे है, third है third picture में क्या है, terrace farming in the Shivalik. मतलब ये जो ऐसे लेयर लेयर करके, मतलब पहला एक ऊपर वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, अलग अलग स्लोप पे बनाया गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द नदर माउंटेन्स, बट
वी विल स्टडी टुमारो। आज के लिए बस इतना ही, मैंने जितना पढ़ाया एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और बस एक बार सारा रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय।